जहां तक आपने कोरोना वायरस की बात की, आप बैठिए मैं बताता हूं। अनुभव आप भी बैठिए, अशोक जी आप भी बैठिए। जहां तक आपने कोरोना वायरस की बात की तो ये सही है कि बहुत से लोग इसे लेकर बहुत चिंता में है। मैं समझता हूं इसमें आपकी और हमारी, हम सबकी सतर्कता बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे केंद्र सरकार हो या हमारी तमाम राज्य सरकारें हो या म्युनिसिपैलिटी हो, ग्राम पंचायत हो, सभी इस मामले को लेकर उचित इंतजाम और देखरेख में जुटे हुए हैं। हमारे पास कुशल डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भी है, संसाधन भी है और जागरूक आप जैसे अनेक नागरिक भी हैं। हमें बस अपनी सावधानियों में कोई कमी नहीं आनी देनी चाहिए और ये भी समझ लेना चाहिए कि सावधानियां क्या है, बड़ी बड़ी बातें नहीं है जी। ये अलग अलग माध्यमों से आपको शायद पता भी चलता होगा, लेकिन हम सुनते हैं एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं। मैं फिर से एक बार, जब आपने मुझे पूछा है तो मौका ले लेता हूं और आपके माध्यम से देश के सभी नागरिकों के लिए वो सारी बातें मैं दोहरा रहा हूं और मैं कहता हूं कि आप भी याद रखिए और हर स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह पे बताइए। देखिए क्या करना है, एक तो हमें बिना जरूरत के कहीं इकट्ठा होने से बचना होगा और दूसरा हमें बार बार जितना हो सके अपने हाथ धोते रहना चाहिए और बराबर सफाई करनी चाहिए। अपने चेहरे को, अपने नाक और अपने मुंह को बार बार छूने की हमारी जो आदत है, अब थोड़ा उस आदत को बदलना होगा। जितना हो सके इस आदत को हमें कंट्रोल करना है और धुले हुए हाथों से ही अपने मुंह को टच करना चाहिए। जानकारों का कहना यह है कि ये खांसते या छींकते समय जो छींटे निकलते हैं, सांस के साथ ऐसे छोटे 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 बिंदु निकलते दिखते भी नहीं है, उसमें जो भी संपर्क में आता है उसे ये फैलता है। ऐसे में जिस भी चीज पर ये छींटे गिरते हैं उसमें ये वायरस कई दिनों तक जीवित रह सकता है। इसलिए बार बार साबुन से हाथ धोना बहुत जरूरी है। एक और आदत हमें जरूर डालनी है, अगर खांसी और छींक हमें आती है तो कोशिश यही करनी है कि दूसरों पर इसके छींटे न पड़े और जो कपड़ा या रुमाल हमने छींकने के समय इस्तेमाल किया होता है उसे भी दूसरों के संपर्क में न आने दे। साथियों, जिन जिन लोगों को ये संक्रमण हुआ है उनको तो जरूरी निगरानी में रखा ही जा रहा है, पूरे वॉच में रखा जाता है, लेकिन अगर किसी साथी को शक होता है कि वो किसी संक्रमित साथी के संपर्क में आया है तो उसको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। अपने मुंह को मास्क से ढक करके या किसी बड़े कपड़े से ढक करके सबसे पहला काम करना चाहिए, किसी न किसी नजदीकी अस्पताल में चेक करवा लीजिए, ये बहुत जरूरी है। परिवार में जो बाकी लोग होते हैं उनको भी इन्फेक्शन होने की आशंका ज्यादा होती है, ऐसे में उनको भी जरूरी टेस्ट करा लेने चाहिए। ऐसे साथियों को
मास्क भी पहनने चाहिए, ग्लव्स भी पहनने चाहिए और दूसरों से कुछ दूरी बनाकर के रहना चाहिए। मास्क पहनना है या नहीं पहनना है, इसे लेकर जानकारों की अलग अलग राय है, लेकिन ध्यान यही रखना है कि खांसते या छींकते समय जो हवा निकलती है उसके साथ जो छोटे छोटे बारीक ड्रॉप निकलते हैं, ड्रॉपलेट्स, वो दूसरों पर न जाएं। वैसे मास्क पहनते समय भी एक चीज ध्यान रखनी है, मास्क को एडजस्ट करते हमारा हाथ बार बार मुंह को छूता है, इससे बचाव की जगह इन्फेक्शन फैलने की आशंका बढ़ जाती है। साथियों, ऐसे समय में अफवाहें भी तेजी से फैलती हैं, कोई कहता है ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है, कुछ लोग चार नई चीजें लेकर के आ जाएंगे कि ये खाने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, ढीकना करने से बचा जा सकता है। मेरी सभी देशवासियों प्रार्थना है, मेहरबानी करके इन अफवाहों से भी बचना है। आपको कुछ भी लगता है, जो भी करें अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें, हम स्वयं डॉक्टर न बन जाए। और हां, पूरी दुनिया आजकल नमस्ते की आदत डाल रही है, अगर किसी कारण से हमने ये आदत छोड़ दी है तो हम भी हाथ मिलाने के बजाय इस आदत को फिर से डालने का भी मैं समझता हूं ये उत्तम समय है। नमस्ते करके ही एक दूसरे को ग्रीट करना चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि छोटी छोटी बातें हैं, शायद डॉक्टर लोग भी आपको यही बताएंगे, आप भी सबको यही बताइए, डरने की जरूरत नहीं है, भय पैदा करने की जरूरत नहीं है, अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है, बस इतनी सी चिंता करनी है।